दोस्तों आपने अक्सर देखा ही होगा कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा जीत नेवले की होती है और वो सांप को मारकर खा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर नेवले की लड़ाई धरती के सबसे खतरनाक सांप एनाकोंडा से हो जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाकोंडा सांप के बारे में। दोस्तों एक एनाकोंडा सांप की लंबाई 25 से लेकर 30 फुट तक होती है और इनका वजन तकरीबन 250 से 500 किलो के बीच होता है। तो वहीं भले ही नेवला साइज में काफी छोटा होता है लेकिन ये इतने आक्रामक होते हैं कि वक्त आने पर शेरों से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटते। साथ ही नेवले के शरीर पर सांपों के जहर का ज्यादा असर नहीं होता। तो वहीं एनाकोंडा सांप की पकड़ इतनी मजबूत होती है जिससे इनके शिकार की सारी हड्डियां टूट जाती है। बात अगर इन दोनों के बीच लड़ाई की हो तो नेवला अपनी फुर्ती और तेजी से एनाकोंडा के ऊपर हमला करता रहेगा जैसा कि वो दूसरे सांपों के साथ करता है। लेकिन अगर नेवला अपने हमले में चूक गया और एनाकोंडा की पकड़ में फंस गया तो नेवले की कहानी खत्म समझो। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।